एक घटना आपको सुना दें, सत्य घटना। सिद्ध संत थे रामदास जी महाराज, संत थे श्री रामदास जी महाराज, सिद्ध महात्मा थे, भगवत प्राप्त संत थे, बड़े ऊंचे नाम जापक थे। एक जमींदार था, कथनचित उनके मुंह से निकल गया तो जरूर भगवान पूरा करेंगे। अब सकाम भाव से वो जमींदार खूब सेवा महाराज की करने लग गया, महाराज की कृपा हो गई, उनकी वाणी फलीभूत हुई और उसके पुत्र हो गया। अब पुत्र हो गया तो क्या कहना महाराज, बुढ़ापे की संतान और सब नाते रिश्तेदार कुटुंबी इष्ट मित्र सबको बुलाया गया और खूब सजावट की गई। रामदास जी को भूल गया। तब घरवाली ने कहा कि अरे जिनकी कृपा से बेटा हुआ उन संत को तो बुला लो। अरे बोले वो तो भूल ही गए, चलो महात्मा तो सीधे साधे होते हैं, न्योता भले ही उनको नहीं दिया गया, प्रार्थना करेंगे तो आ जाएंगे। जमाने में बैलगाड़ी चलती थी, बैलगाड़ी भेज दी और आग्रह किया तो महात्मा बैठ के बैलगाड़ी में चले आए। और वहां व्यास जी उत्सव ऐसा हो रहा था कि सब लोग बैठे थे और एक ऐसी जैसे महाराज जी की आसन लगी है ऐसी सुंदर आसन रामदास जी के लिए लगा दी गई थी, तकिया वगैरह लगा करके। ये जमींदार साहब के गुरु जी हैं और एक नाचने वाली बढ़िया नाच रही थी, गाने वाले बढ़िया ताल पखावज बजा करके गा रहे थे, नाचने वाली नाच रही थी, खूब रुपया उड़ाया जा रहा था। अब महात्मा बेचारे क्या करें, रात को जा भी नहीं सकते लौट के, अपने जंगल में स्थान था, अब क्या करें, न तो सोने की कहा किसी ने, न खाने की कहा, बिठा दिया, न कोई कथा कीर्तन, नाचने वाली नाच रही है। महात्मा आंख बंद करके सीताराम 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 करते रहे, जैसे तैसे रात बिताई। प्रातःकाल रात भर नाच गान चला। प्रातःकाल महात्मा बोले भाई हमारा नियम धर्म है, ठाकुर जी की सेवा पूजा है, गौ माता की सेवा है, हम अपने स्थान जाएंगे। अच्छा महाराज अब क्या करें, भीड़ भाड़ बहुत है, फिर कभी फुर्सत में आपको बुलाएंगे। अरे महात्मा जा रहे हैं, कुछ विदाई तो कर दो। महात्मा की विदाई भी कर दी। तब तक किसी बड़े बूढ़े ने कहा कि अरे कितने ऊंचे महात्मा, कभी किसी के यहां गए नहीं और तुम हठपूर्वक उनको ले आए और रात भर नाचने गाने में बिता दिया है। अरे कम से कम कुछ इनका दो वचन सुन लेते, उपदेश सुन लेते, कथा सुन लेते तो सबका कल्याण हो जाता। अरे महाराज अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, बैलगाड़ी तो तैयार होने वाली है, आप कुछ उपदेश सुना दीजिए। बोले भाई हम तो पढ़े लिखे साधु नहीं है, उपदेश देना नहीं जानते हैं, हमको माफ करो। नहीं नहीं महाराज आप बिना सुनाए तो आपको हम लोग चरण पकड़ लेंगे, जाने नहीं देंगे, आपको तो सुना के जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है संक्षिप्त उपदेश श्रवण कीजिए। तो महात्मा रामदास जी ने कहा आंखें फूटी जगत की, क्या उपदेश दिया, आंखें फूटी जगत की कहा करें जगदीश, रमजनिया को तीन से और रामदास को तीस। वो नाचने वाली का नाम रमजनिया था, उसको तो 300 रुपए वो तय होके आई थी, उसको 300 रुपए दिए गए और रामदास जी जा रहे थे, उनको 30 रुपए विदाई करके कहा महाराज भंडारा कर देना, गौ सेवा कर देना। अब महात्मा को यद्यपि उसकी अपेक्षा नहीं थी पर महात्मा तो महात्मा ठहरे, बोले कहा आंखें फूटी जगत की कहा करें जगदीश, रमजनिया को तीन से और जिनके यहां धन का सदुपयोग है उन रामदास को तीस। बोले बाबा और कुछ उपदेश, बोले बस अब जीवन में कभी ना हमारे पास आना ना हमको कभी बुलाना। भैया भगवान को दिखावा प्रिय नहीं है, दिखावा मत करो। किसके लिए दिखावा करते हो, कितने बड़े बड़े राजा महाराजा हुए पर किसी का नाम निशान इस संसार में रहा, किसका दिखावा कितने दिन चला,
वो चाहे जितना खर्च कर दो, कितने दिन तक उसकी चर्चा चलेगी? अरे दिन की बात छोड़ दो, खा पी कर लोग कचड़ा करके चले जाते, किसके पास फुर्सत है कि तुमने क्या किया था इसकी चर्चा करने की? किसके पास फुर्सत है? भगवान के द्वारा दी हुई वस्तु का सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। भगवान ने शरीर दिया है, इंद्रियां दी हैं, धन दिया है, उसका सही दिशा में विनियोग करो, मनमाने ढंग से उसका दुरुपयोग करके उसे नष्ट मत करो। हम मंच से स्मरण कर रहे हैं श्री जयदयाल जी डालमिया, बड़े भक्त थे, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का बहुत अनुग्रह उनको प्राप्त था। प्रयाग कुंभ था, श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के यहां उनको आना था, और ब्रह्मचारी जी को उस जमाने में गाड़ी उन्हीं ने दी थी, सब संतों के पास उसमें गाड़ियां नहीं थी, तो उन्होंने गाड़ी भेज दी स्टेशन डालमिया जी को लेने के लिए सौहार्द बस, और डालमिया जी थ्री व्हीलर में बैठ के, टेम्पू में बैठ के पहले ही आ गए। तो कहा, अरे आपके लिए तो गाड़ी भेजी थी, आप कैसे आ गए? उन्होंने कहा कि जो आपके जो व्यक्ति गए होंगे ना, वो तो स्टेशन पे ऐसी जगह गए होंगे जहां एसी डिब्बा खड़ा होता है, आ हम तो जनरल डिब्बे में बैठकर टिकट लेके आए। वो सामान्य उनकी मोटी धोती थी, सामान्य वेशभूषा थी, और सामान्य पैर में उनके हवाई चप्पल थी। तो श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने पूछा कि डालमिया जी, कमी तो ठाकुर जी की तरफ से कुछ है नहीं, फिर बढ़िया ठाट से क्यों नहीं आए? जैसे सेठ लोग चलते हैं ऐसे क्यों नहीं आए? जयदयाल जी ने कहा, आप संतों से ही हमने सीखा है, शरीर का जितने में निर्वाह हो जाए उतना ही उपयोग करना चाहिए। हम या तो अपने शरीर पर दिखावे में धन का व्यय कर दें, या फिर कुछ गौ सेवा, संत सेवा, ब्राह्मणों की सेवा कर दें, दोनों काम नहीं हो सकते। ब्रह्मचारी जी ने कहा, तुम सेठ नहीं संत हो। हमारी प्रकृति नहीं है किसी श्रीमंत व्यक्ति का चरित्र हम कहने बैठे, लेकिन एक बात है, ये किसकी विशेषता थी? भाई जी जैसे सरल संत का सानिध्य उन्हें मिला, ये उसकी महिमा थी। इसलिए भैया, दिखावे की आवश्यकता भगवान के यहां नहीं है, पर विमुखों के जीवन में तो दिखावा ही सब कुछ होता है। बहुत दिखावा किया गया, लेकिन सबको बुलाने पर भी नरसी के बुलाने का किसी के मन में विचार नहीं हुआ। ब्याह योग्य कन्या भई पर्यो लोक व्यवहार, भात भरन हित आई है नरसी भगत उदार। उचित तो ये था कि नरसी जी को भात भरने आना चाहिए था, लेकिन नरसिंह किंतु गरीब गुनी दियो निमंत्रण नाही, अपने धन ऐश्वर्य को अहंकार मन माही। ये नरसी आकर के हमारी इज्जत बिगाड़ेगा, कहां रिश्तेदारों में बुलाने लायक है, इसलिए नहीं बुलाया। अंत में नानी बाई का हृदय विदीर्ण हुआ, उसने विचार किया, आखिर तो मेरे पिताजी हैं और उनकी महिमा ये लोग भले ही न जाने, पर मैं अपने पूज्य पिता की महिमा जानती हूं, वे कितने महान संत हैं, ये बेचारे उनकी महिमा नहीं जानते हैं। इसलिए सास के चरणों में प्रणाम करके कहा, नानी बाई एक दिन सासु चरण ढिंग जाए, दीन बचन कर जोरी के कहन लगी लगी पाए। चरणों में प्रणाम करके कहा कि माताजी, आप कृपा करके अपराध क्षमा करें, आपकी पोती का विवाह तो हो ही रहा है और अनेक नातेदार रिश्तेदार भी आ रहे हैं, गरीबों को भी कुछ न कुछ दिया जाएगा, खिलाया पिलाया जाएगा। हमारे पिता भले ही निर्धन हैं, लेकिन आखिर हमारे पिता हैं,
पिता मान करके, अपने बहू का पिता मान करके भी कम से कम आप दया करो और उनको निमंत्रण दे दो, खबर तो करा दो उनको। सास तो महाराज बड़ी दुष्टा थी, उसने अपमानित करते हुए नानी बाई को कहा कि बहुत बड़े बाप की बेटी है ना जो अपने बाप को बुलाएगी। वह भिक्षुक यहां आकर करेगा क्या? हमारी मान मर्यादा तो बनाएगा नहीं, बढ़ाएगा नहीं। हां, 10-20 भिखमंगों को और लेकर चला आएगा। अरे, जिसके अपने खाने का ठिकाना नहीं है वो आकर भात क्या भरेगा? नानी बाई ने कहा, मां जी आप लोग तो भगवान की दया से खूब संपन्न हैं, हमारे पिताजी आए अथवा न आवे, भात भरें या न भरें, आपका कोई काम रुकने वाला तो है नहीं, रुकेगा नहीं। पर मैं बेटी हूं, मेरे लिए तो एक ही यह अवसर है कि मैं अपने पिता के गले से लग जाऊं। और अब फिर ठाकुर जी कैसी कृपा करते हैं इसकी चर्चा हम कल करेंगे।